Assalamu alaikum. We are going to start the tuberculosis from your lungs chapter. Tuberculosis jo hai, sabse pehle aapko pata hai that it is caused by mycobacterium tuberculosis, which is actually the bacteria. ठीक है, ये टॉपिक आपके बुक में काफ़ी लंबा लिखा हुआ है, इस वजह से मैंने हाईलाइट कर दिए हैं कि जो पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं, तो ताकि आपके लिए ईजी हो. वैसे प्रॉफ में जो है अभी तक जो टीबी में से आया हुआ है वो जैसे इसकी पैथोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको आना चाहिए. ठीक है, सो टीबी जो है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है, और आपको पता है ये सिर्फ हमारे लंग्स को इन्वॉल्व नहीं करता बल्कि हमारे बहुत से ऑर्गन्स एंड ऑर्गन टिश्यूज़ को ये इफेक्ट करता है. ठीक है, और ये हमारे पास क्या होती है, क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ होती है. मीन्स दैट आपको पता है इसमें ग्रैनुलोमा बन जाता है, और आपने इसके ग्रैनुलोमा का स्ट्रक्चर देखा हुआ है पहले भी. ठीक है, कि दरमियान में हमारे पास नेक्रोसिस होती है, और उसके इर्द गिर्द हमारे मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स और फाइब्रोसिस वगैरह हुई होती है, और फाइटिंग चल रही होती है, और वहाँ पे ग्रैनुलोमा बन गया होता है हमारे लंग्स के अंदर या जगह जगह पे बॉडी के. ठीक है, सो ये लंग्स को इफेक्ट करता है, बॉडी के दूसरे टिश्यूज़ को भी इन्वॉल्व करता है. उसके बाद इसके रिस्क फैक्टर्स मैंने लिखे हुए हैं RF से, कि जो हमारे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं, मोस्टली आपको पता है के जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जो HIV पेशेंट्स होते हैं, HIV लोगों में आपको पता है वो CD4 पॉजिटिव लिम्फोसाइट्स को अटैक करता है जाके ये वायरस, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके अंदर तो ज़रूरी हो जाता है कि जी हमारे TB हो जाए, क्योंकि हमारे CD4 पॉजिटिव टी सेल्स हमें चाहिए होते हैं TB को रोकने के लिए, इस बैक्टीरिया को मारने के लिए. ठीक है, सो अभी हम देखेंगे इसकी पैथोजेनेसिस में कि CD4 पॉजिटिव का क्या रोल होता है, और HIV के लोगों में तो वैसे ही CD4 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट्स कम हो गए होते हैं, तो उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो है ना TB हो जाए. तो रिस्क फैक्टर्स क्या है, HIV पॉजिटिव पेशेंट्स, प्रिजनर्स क्यों, कि गंदे गंदे लोग होते हैं ना प्रिजनर्स मोस्टली, और एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट्स उनके होते हैं तो वो फैल जाता है. हेल्थ केयर वर्कर्स, बिकॉज दे आर वर्किंग द हॉस्पिटल्स एंड डीलिंग विद द पेशेंट्स ऑफ TB, सो हेल्थ केयर वर्कर्स में भी बहुत ज़्यादा कॉमन होगा. क्लोज कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, मतलब कि किसी ऐसे बंदे के साथ रहना जिसको पहले से TB है और पता भी ना होगा इसको TB है, तो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हो गया. उसके बाद डायबिटीज़, मैंने आपको बता दिया डायबिटीज़ इज़ ए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट. ठीक है, जो लोग स्टीरॉयड्स ले रहे होते हैं वो वैसे ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जो अल्कोहल्स पी रहे होते हैं और जो IV ड्रग्स यूजर्स होते हैं उनमें भी TB जो है वो कॉमन होता है. ठीक है, इसके अलावा किसी पेशेंट को हेमाटोलॉजिकल मेलेग्नेंसी हो, ठीक है, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर हो, उनमें भी हमारे पास क्या होता है, TB हो जाता है. तो ये हमारे पास इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. उसके बाद वो बता रहे हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो है दैट इज़ एक्चुअली द TB. ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो है ये हमारे पास TB कंसिडर किया गया. उसके बाद इसके जो रिस्क फैक्टर्स इन्होंने खराब किस्म के लिखे हुए हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं कि पॉवर्टी, अच्छा पॉवर्टी जो है ना ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है. ज़्यादातर जो हमारे पास पॉवर्टी होती है ना, क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग हो गई, वहाँ पर मैलनरिश लोग ज़्यादा होते हैं जिनमें TB के ज़्यादा चांसेस होते हैं. क्रोनिक इलनेस किसी को हो गई हो, ठीक है, और ओल्डर जो लोग होते हैं, पुअर लोग होते हैं जिनको एड्स होती है, मैंने HIV के बता दिया, डायबिटीज़ हो गया, हॉजकिन लिम्फोमा, हीमेटोलॉजिकल मेलेग्नेंसी जिसको मैंने आपको बताया, किसी को पहले से कोई सिलिकोसिस या लंग डिजीज़ थी, रीनल फेलियर था, मैलन्यूट्रिशन थी, अल्कोहलिज्म थी, इम्यूनोसप्रेशन थी, जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बता दिए इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. ठीक है, मतलब जगह जगह पे लिखे हुए हैं, कोई कंबाइंड वे में नहीं लिखे हुए, जो मैंने आपको बता दिए. उसके बाद हम बात करते हैं कि जी हमारे पास जो है ना ये डिजीज़ किस तरह से ट्रांसमिट होती है. तो आपको पता है ना कि ये डिजीज़ जो है ये डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन एयर बॉर्न ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट होती है. ठीक है, एक पर्सन दूसरे पर्सन के करीब हो, क्लोज कॉन्टेंट्स हो, तो जी उसकी वो बॉडी के अंदर से जो है वो निकल के रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू दूसरे के अंदर जा सकती है. ठीक है, अब ना हमारे पास ये हम बाद में पढ़ेंगे कि प्राइमरी TB होता है, सेकेंडरी TB होता है. जो प्राइमरी TB होता है ना वो ऐसा TB होता है जिसमें पहली दफ़ा जो है ना पर्सन को जो TB होता है ना, फॉर एग्जांपल खुदा ना हास्ता पहली दफ़ा हो जाता है किसी को, ठीक है, तो वो हमारे पास प्राइमरी TB होता है. लेकिन दूसरी दफ़ा जो उसको TB होता है ना, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी TB. अब जो सेकेंडरी TB होता है ना, जो दूसरी दफ़ा होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है. प्राइमरी TB इतना खतरनाक नहीं होता, हमारी बॉडी उसके साथ लड़ लेती है और जी उसको हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को जो है ना वो घेर लेती है और उसको जो है ना मतलब एक जगह रोक लेती है. ठीक है, लेकिन सेकेंडरी TB में क्या होता है कि वो जो डिजीज़ होती है वो प्रोग्रेस करती है, उसे हमारे दूसरे ऑर्गेन्स भी इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं. इस वजह से जो सेकेंडरी TB होता है ना, जो दूसरी दफ़ा TB होता है, हम देखेंगे कैसे होता है, वो ज़्यादा खतरनाक होता है. जो प्राइमरी TB होता है उसमें वो बता रहे हैं कि जी उसके अंदर फीवर हो जाता है, प्यूरल इफ्यूएंस हो जाते हैं, और उसमें क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं. इस स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो ट्रांसमिशन नहीं कर सकता. वैसे तो हमने कहा है ना कि वो एयरबोर्न ड्रॉपलेट से ट्रांसमिशन हो जाती है, लेकिन जो प्राइमरी TB डॉर्मेंट स्टेट में चला जाता है ना, मतलब बैक्टीरिया डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है, सो जाता है जाके हमारी बॉडी में, ठीक है, उस केस में क्या होता है कि वो हमारे पर्सन को TB हो भी तो वो ट्रांसमिट एक दूसरे पे नहीं कर सकते. ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे प्राइमरी सेकेंडरी TB में. उसके बाद वो बता रहे हैं कि जी हमारे पास जो मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, आपने देखा होगा कि उसमें हम क्या करते हैं,
हम पेशेंट को जो है ना वो थोड़ा सा देते हैं, मतलब 0.1 ml जो है ना हम प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव देते हैं टीबी की, ठीक है उनको। तो उसके बाद ना उनकी स्किन के ऊपर एक इंड्यूरेशन आती है, ठीक है 72 hours के अंदर अंदर, 42 to 78 hours में। अब उसका हम डायमीटर मेजर करते हैं, उससे ही हमें ये पता चल जाता है कि जो है ना पेशेंट के अंदर कितनी इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई हुई है, ठीक है कितनी इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई हुई है। सो पॉजिटिव अगर ये टेस्ट आता है तो इंड्यूरेशन मींस आती है, इट मींस दैट हमारी बॉडी फाइट कर रही है और हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बहुत अच्छी है जो हमारे टीबी के खिलाफ लड़ रही है, ठीक है। और फॉल्स नेगेटिव आ सकते हैं किस केस में, जब दूसरे एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया हमारी बॉडी में हो, हमें लगे कि किसी को टीबी हुआ हुआ है, हम उनका ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट करते हैं कि हम ये चेक करने के लिए कि उनके अंदर इम्यूनिटी है कि नहीं, ठीक है हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट कर रही है कि नहीं। अगर फाइट कर रही होगी ना तो वो जो हमारी स्किन होगी ना उसके ऊपर इंड्यूरेशन आ जाएगी, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन ये होता है कि जो कभी कभार फॉल्स नेगेटिव भी आ जाता है, पेशेंट को टीबी होता नहीं है लेकिन फिर भी उसको वो स्किन टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, क्यों आ जाता है मैंने आपको बताया कि उनको जो है वो एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया जो है ना उन्होंने इन्फेक्ट किया होता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम इसकी पैथोजेनेसिस बात कर लेते हैं जी। इन्होंने सबसे पहले लिखा हुआ है कि जी हम इनको जेडन्स के स्टेन से मेजर करते हैं, सॉरी इसको जो है वो कल्चर करते हैं, मतलब उसको स्टेन करते हैं, उसको जो है वो देखने के लिए हम ये वाली स्टेनिंग यूज़ करते हैं, ये आपको पता है, ठीक हो गया। उसके बाद वो बता रहे हैं कि एरोसोल्स की वजह से वो ट्रांसमिट हो जाता है, एक्सक्रीशंस की वजह से ट्रांसमिट हो जाता है। और ये इंटेस्टाइनल टीबी भी एक होता है ना, एक तो हो गया ना कि हम रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से जो है वो ले लेते हैं सांस के थ्रू, किसी को टीबी हुआ हुआ है वो हमारी सांस के अंदर चला गया और हमें भी हो गया उदाना हंसता, ठीक है। एक दूसरा होता है हमारे पास कि इंटेस्टाइनल टीबी होता है, ये ज़्यादातर पुराने वक्त में जो है ना कॉमन होता था, जब वो गंदे कंटेमिनेटेड मिल्क पीते होते थे ना बच्चे, तो उनको ये वाला माइकोबैक्टीरियम बॉविस हो जाता था, जिनमें क्या होता था कि ये वाला मिल्क पीने की वजह से जो है ना उनको टीबी हो जाता था। लेकिन अब ये इतना कॉमन नहीं है, अब हमारी जो मिल्क है वो मतलब काफ़ी हाइजेनिक कंडीशंस आ गई हैं जिसकी वजह से इतनी कॉमन नहीं होता। अगर हो भी ना तो वो इस तरह से हो जाता है ये वाला इंटेस्टाइनल टीबी के जी किसी को पहले से लंग्स के अंदर टीबी था और वो ऑर्गेनिजम्स जो है ना, क्योंकि लंग इधर हमारा फॉर एग्जांपल एसोफेगस है ना, तो इधर हमारा ट्रेकिया है बिल्कुल साथ, ठीक है। तो अगर ट्रेकिया के अंदर से जो है वो एसोफेगस के अंदर चला जाए वो टीबी के बैक्टीरिया, तो उसकी वजह से इंटेस्टाइनल टीबी हो सकता है, अदरवाइज जो है ये वाला अब इतना कॉमन नहीं है जो इंटेस्टाइनल की वजह से हो सकता है। अच्छा जी पैथोजेनेसिस बात कर लेते हैं। अब पैथोजेनेसिस में जो मेन रोल होता है ना हमारा, वो आपने याद रखना है, वो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं। मैंने आपको इसलिए बताया था कि जो एड्स के लोग होते हैं ना, HIV लोग होते हैं, उनके अंदर जो वायरस होता है वो CD4 पॉजिटिव के काउंट्स कम कर देता है। तो इस वजह से देखें, अब मेन इम्यूनिटी ही हमारी जो है, मेन जो हमारा काम करना है वो CD4 पॉजिटिव टी हेल्पर सेल्स ने करना है, जो कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर ये वाली इम्यूनिटी नहीं होगी, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ भी बन सकता है कि व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ इम्यूनिटी इन द, ठीक है किसका सबसे ज़्यादा रोल है इन द इम्यूनिटी अगेंस्ट TB, तो वो आपने याद रखना है CD4 पॉजिटिव टी सेल्स, ठीक हो गया। अब जिनके अंदर ये नहीं होगा तो फिर वही खतरनाक केस होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी पैथोजेनेसिस ही आपके UQ में आती होती है, तो पैथोजेनेसिस आपकी इस डायग्राम से कवर हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया हुआ कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जब नहीं हुई, उससे पहले क्या हो रहा है आपको पता है, हमारे लंग्स के अंदर नॉर्मली भी जब देखें सबसे पहले कॉन्टैक्ट किसके साथ होता है, जब भी हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ जाता है तो वहाँ पे जो ऑर्गेन्स के अंदर पहले से जो माइक्रोफेजेस पड़े होते हैं वो लड़ने के लिए आते हैं, ठीक है सबसे पहले वही आते हैं लड़ने के लिए, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल कि आपको पता है कि एल्ब्यूलर माइक्रोफेजेस होते हैं, लैंगरहैंस जॉइंट सेल्स होते हैं, जैसे स्किन के अंदर हो गए, हमारे लिवर के अंदर अपने जॉइंट सेल्स होते हैं, सॉरी माइक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है CNS में अपने माइक्रोफेजेस होते हैं, इसी तरह लंग्स के अंदर भी पहले से हमारे जो है ना पड़े होते हैं माइक्रोफेजेस, ठीक है। अब ये होता है कि जब हमने सबसे पहले फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू हमारे अंदर बैक्टीरिया आ गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो वहाँ पे सबसे पहले जो अटैक करने के लिए आएंगे ना वो हमारे मैक्रोफेजेस आएंगे। मैक्रोफेजेस देखेंगे कि जी कोई चीज़ आ गई है, अब इनके साथ खिलाफ लड़ना है, तो वहाँ पे जो एल्ब्यूलर मैक्रोफेजेस होंगे ना वो सबसे पहले जाएंगे लड़ने के लिए, ठीक है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी अभी स्टार्ट नहीं हुई, उससे पहले की बात कर रही हूँ। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी से पहले क्या होगा, ठीक है, इन्होंने दो में डिवाइड किया हुआ है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी स्टार्ट होने से पहले क्या होगा, मीन्स दैट के टी सेल इम्यूनिटी स्टार्ट होने से पहले क्या होगा और टी सेल इम्यूनिटी होने के बाद क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है, ये आपका मैक्रोफेजेस नज़र आ रहा है एल्ब्यूलर मैक्रोफेजेस, ठीक है एल्ब्यूलर मैक्रोफेज ये क्या करता है, ये हमारे पास ये बैक्टीरिया आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है इतना गर नहीं मारूंगी बस बताऊंगी, ये वाला आपका बैक्टीरिया नज़र आ रहा है माइकोबैक्टीरियम और ये आपके एल्ब्यूलर मैक्रोफेजेस हैं, ठीक हो गया। अब ये जो है ना इनके पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं मैनोज रिसेप्टर्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर्स होते हैं, जिनके थ्रू ये क्या करते हैं माइकोबैक्टीरियम के साथ बाइंड करते हैं, ठीक है माइकोबैक्टीरियम इन रिसेप्टर के साथ बाइंड
करते हैं, मैक्रोफेजेस उनको अपने अंदर ले आते हैं ताकि इनको फैगोसाइटोस करके ख़त्म किया जाए। लेकिन होता क्या है कि जो हमारे ये मैक्रोफेजेस होते हैं ना, ये अंदर ले के आते हैं, लेकिन वो जो अपनी उनको खाने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इतने जो है ना होशियार होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये जो फैगोलाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है ये नहीं होने देते। आपको पता है ना, जब एक फैगोसोम होता है, एक लाइसोसोम होता है, ठीक है। फैगोसोम का क्या काम होता है कि इसने जो है ना बैक्टीरिया को अपने अंदर लेना होता है, फॉरेन बॉडी को अपने अंदर लेना होता है, ठीक है। और जो लाइसोसोम्स होते हैं ये फिर फॉरेन बॉडी जो है, ये सॉरी फैगोसोम जो है लाइसोसोम के साथ मिलता है, और लाइसोसोम के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो उस बैक्टीरिया को खाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी क्या है हमारे पास कि फैगोलाइसोसोम बने और वो बैक्टीरिया को किल किया जाए, लेकिन ये बैक्टीरिया इतने होशियार होते हैं कि ये फैगोलाइसोसोम की फॉर्मेशन नहीं होने देते, ठीक है, फॉर्मेशन ही नहीं होने देते, जिसकी वजह से क्या होता है, और लैक ऑफ एसिडिक पीएच, मतलब एसिडिक पीएच को नहीं बनने देते, ठीक है, और मेच्योरेशन नहीं होने देते मैक्रोफेजेस की। ये तीनों जब ये काम करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, मैक्रोफेजेस उनको मार ही नहीं पाते, मैक्रोफेजेस उनको मार ही नहीं पाते, तो हमारे एल्वियुलर मैक्रोफेजेस किसी काम के नहीं रहते, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है वो अंदर बैठे हुए हैं मज़े से, और वहाँ पे जो है ना मल्टीपल अपनी जो है ना कॉलोनीज बनाते जा रहे हैं। तो अब देखें, अनचेक्ड बैक्टीरिया बैसिलरी प्रोलीफरेशन वो होते जाते हैं। पहले तो देखें एक था, अब देखें कितने ज़्यादा हो गए मैक्रोफेज के अंदर बैठे बैठे, जो है ना उसको मैक्रोफेज को जो है ना किसी काम का नहीं छोड़ा उन्होंने, और जी मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। अब क्या होता है कि ये 3 हफ्ते तक ये काम चलता रहता है, ये 3 वीक्स तक ये काम चलता रहता है। आफ्टर 3 वीक्स क्या होता है, हमारे ही जो एल्वियुलर मैक्रोफेजेस होते हैं ना, ये कहते हैं हम तो तंग आ गए हैं, हमारे अंदर तो इतने बैक्टीरिया जमा हो गया, अब ना कुछ हमें करना पड़ेगा। वहाँ पर डेंड्राइटिक सेल्स भी होते हैं, वहाँ पर ये जो सारे आपको पता है ना कि क्या होता है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है, ये एक्चुअली हमारे पास सब काम प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं कि हम तंग आ गए हैं, 3 हफ्ते गुजर गए, अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो ये उस बैक्टीरिया को पकड़ के लेके जाते हैं टी सेल्स के पास, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास जो है ना टी सेल्स के साथ जो है वो बनते हैं, आपको पता है ना टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं, और जो हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं उनके ऊपर MSC Class 2 प्रोटीन्स होती हैं। इन दोनों के दरमियान में जो है ना हमारे पास इंटरेक्शन होता है, ये दरमियान में ग्रीन कलर की आपको माइकोबैक्टीरियम की एंटीजन शो हुई है। तो जब ऐसे होता है ना, तो हमारी एल्वियुलर मैक्रोफेजेस इंटरल्यूकिन 12 रिलीज करते हैं, जिससे हमारे टी सेल्स जो होते हैं ना वो टी हेल्पर सेल्स को बुला लेते हैं। अब ये मैंने आपको बताना था, ये CD4 पॉजिटिव टी हेल्पर सेल्स है, ठीक है, ये हमारे पास मेन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी स्टार्ट करते हैं। और अगर ये पेशेंट के अंदर नहीं है, तो जैसे HIV के लोग हैं, मैंने आपको बताया उनके अंदर ये नहीं होते, उनके अंदर लॉस हो जाता है इन सेल्स का CD4 पॉजिटिव, तो फिर आगे कैसे चले, फिर हमें कैसे मारे इन बैक्टीरिया को। तो इस वजह से उनके अंदर बहुत ख़तरनाक किस्म की बीमारी हो जाती है, उनके अंदर सेकेंडरी TB हो जाती है, उनके अंदर पूरी बॉडी में TB फैल जाती है, ठीक है। इस वजह से जो हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं, जिनके अंदर इम्यूनिटी इतनी वीक होती है, उनके अंदर ये काम ही होता, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर हम स्किन टेस्ट करवाते हैं ना बॉडी में, तो ये हमारा पॉजिटिव आता है, ठीक है, CD4 पॉजिटिव टी हेल्पर सेल से। इस लेवल पर जब हम ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट करवाते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव आता है, इसे हमें पता चल आता है कि whether the patient is having the immunity or not, okay? अगर तो उसके अंदर इम्यूनिटी होगी तो हमारा ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट पॉजिटिव आएगा, हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर इम्यूनिटी हुई हुई है, CD4 पॉजिटिव सेल्स उस जगह पे आके इंटरेशन कर देंगे, ठीक हो गया। लेकिन अगर वो हमारे फॉर एग्जाम्पल HIV का पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, यानी स्टीरॉइड ले रहा था, तो फिर उनके अंदर CD4 पॉजिटिव टी सेल्स होंगे नहीं, हम स्किन टेस्ट करवाएंगे तो वो नेगेटिव आएगा, ओके। उसके बाद हम चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल कि TH1 हेल्पर टी सेल्स, जो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं, वो इंटरफेरॉन गामा रिलीज करते हैं, जिससे हमारे मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाते हैं। अब इंटरफेरॉन गामा की वजह से जो मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं ना, ये जो है ना, ये मैक्रोफेजेस असल किस्म के होते हैं, वो एल्वियुलर मैक्रोफेजेस ऐवें ही थे, उनको तो बैक्टीरिया ने जो है ना मतलब अपने अंडर ले लिया था, कंट्रोल कर लिया था, लेकिन ये वाले जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होते हैं ना, ये अब बैक्टीरिया को मारना शुरू कर देते हैं। माइकोबैक्टीरियम किलिंग किस तरह से हो गया, उसी तरह ये हमारे पास फैगोलाइसोसोम भी बना सकते हैं, ये हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन करते हैं, ये हमारे पास जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनाते हैं, और आपको पता है नाइट्रिक ऑक्साइड आगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनाते हैं, नाइट्रोजन जो रेडिकल्स होते हैं, ठीक है, फ्री रेडिकल्स वो बनाते हैं, ये सारे मार मार के बैक्टीरिया हशर नशर कर देते हैं, ठीक हो गया। तो ये एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस एक्चुअली काम करते हैं इंटरफेरॉन गामा की वजह से। इंटरफेरॉन गामा की वजह से जो मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं ना, वो सुपरमैन होते हैं, ठीक है, और आप कह सकते हैं सुपर सियन होते हैं, जो कि एक्चुअली किल कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जी एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस कहते हैं कि जी हम थोड़ा ना सुपर सियन और बनना चाहिए, वो होता है ना थर्ड स्टेज सुपर सियन, वो बनना चाहते हैं ये लोग। तो उसकी वजह से ये क्या करते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से मोनोसाइट्स और ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, और वो हमारे पास थर्ड स्टेज सुपर सियन बनेंगे। अब क्या बनेंगे, वो हमारे पास जॉइंट सेल्स बनना शुरू कर देंगे, पैथोलॉइड जॉइंट सेल्स बनना शुरू कर देंगे, ठीक हो गया। ये तो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस थे, ये मार रहे थे बैक्टीरिया को, लेकिन ये क्या करेंगे, अब ये
ये जो है थर्ड स्टेज सुपरसेल बनने के लिए क्या करेंगे, इंटरफेरॉन जो है गैमा तो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस बना रहे थे ना, लेकिन ये ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और कीमोकाइंस के थ्रू मोनोसाइट्स को बुलाएंगे और अब बनाएंगे क्या, अब बनाएंगे ये एपिथेलॉइड जाइंट सेल्स। ठीक है, एपिथेलॉइड जाइंट सेल्स, बड़े बड़े जाइंट सेल्स बनाना शुरू कर देंगे। तो ये आपकी सिंपल सी जो है थी, और इसको हम बुक से देख लेते हैं। ये देखें आपके पास इन्होंने स्टेजेस बताई हुई है कि जी एंट्री इंटू मैक्रोफेजेस हुआ, उसके बाद मैक्रोफेजेस के अंदर रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया। क्यों रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया, मैंने आपको बता दिया अपने बुक में, यही चीज़ें हाईलाइट करके पढ़नी है जस्ट। ठीक है, अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हो गई, तीन भी हफ्ते बाद होती है, और हमारे पास जी वहाँ पे CD4 हेल्पर टी सेल्स आ जाते हैं, मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं, किल करते हैं किसके थ्रू, ट्रांसफॉर्म ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर के थ्रू, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के थ्रू, और हमारे पास जो है डिफेंसेस भी ये बनाते हैं, इससे हमारे क्या होते हैं माइक्रोबैक्टीरिया किल हो जाते हैं, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन जो है वो हो जाती है और टिश्यू डैमेज स्टार्ट हो जाता है। उसके रिजल्ट में क्या होता है कि हमारे पास ग्रैनुलोमास बन जाते हैं, गैस्ट्रिक नेक्रोसिस हो जाती है, एपिथेलॉइड हिस्टोसाइट्स बन जाते हैं और जॉइंट सेल्स बन जाते हैं। ठीक हो गया, अच्छा जी, ये सारा हमारे पास कौन काम कर रहे होते हैं, TH1 हेल्पर सेल्स करवा रहे होते हैं जो कि मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करते हैं ताकि माइक्रोबैक्टीरिया को मारा जाए, और जो डिफेक्ट्स अगर इसमें हो, इनहेरिटेड म्यूटेशंस हो, तो इनमें प्रॉब्लम आ जाएगी, जैसे कि हमारे जो है HIV के लोग होंगे वगैरह वगैरह, उनकी वजह से क्या होगा, माइक्रोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट होगा वो हमारा नेगेटिव आएगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट हम बाद में करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी TB और मॉर्फोलॉजी वगैरह।